दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी तक आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी कि इंडिया की जो मार्केट है वो यूएस की स्टॉक मार्केट, यूएस की इकोनॉमी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है अच्छी ग्रोथ के लिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि यूएस फेड के चेयरमैन ने कोई एक ऐसा स्पीच दी थी जिसकी वजह से यूएस की मार्केट में गिरावट आई थी। यूएस की मार्केट में गिरावट की वजह से इंडिया की मार्केट में भी उस टाइम पे 1.5-2% की गिरावट आई थी, क्योंकि इंडिया की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यूएस की मार्केट का। अगस्त महीने में आप देखेंगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो बहुत अच्छी रिटर्न्स अगस्त के महीने में हमें मिलती हुई दिखी। हालांकि जो इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स थे उनके जो इन्फ्लोस थे वो कम हुए हैं, उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी रिटर्न अगस्त में हमें देखने को मिली। अब दोस्तों, कल यूएस में एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है जिसके बारे में मैं लगभग आपसे 15-20 दिन से ही बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाला है कि आने वाले एक महीने तक हमारी स्टॉक मार्केट कैसे चलने वाली है। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि चल क्या रहा है। यूएस में हाई इन्फ्लेशन चल रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और ये एस्टीमेट किया जा रहा है कि 2022 में लगातार पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं यूएस में, और वो जो बढ़े हुए इंटरेस्ट है, हायर लेवल के इंटरेस्ट है, वो पूरा 2023 तक बढ़ाकर वो रख सकती हैं, क्योंकि यूएस का टारगेट है कि उनको इन्फ्लेशन 2% के आसपास करना है। लास्ट मंथ तक कितना इन्फ्लेशन था? 8.5% का। अब इसमें कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे हम बात करते हैं। पॉजिटिव्स पे अगर हम बात करें तो दो सबसे बड़े पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आते हैं। सबसे पहला तो कि इन्फ्लेशन 9.1% थी आज से 2 महीने पहले, उसके बाद 8.5% हुई, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। अब 13 सितंबर को यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं अगस्त महीने के। यहाँ पर पॉजिटिव बातें क्या होने वाली है कि लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे कम हो रहे हैं। $120 तक चला गया था पर बैरल, उसके बाद गिरकर 100 और अब 90-95 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ चुके हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन लगातार कम होने वाली है यूएस में। अभी भी इन्फ्लेशन कम होगी, 8.5% जुलाई का आंकड़ा था, अब उम्मीद है अगस्त में 8% तक ये गिरकर जा सकता है। तो अगर अगस्त के महीने में 8% तक जाता है तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मार्केट के लिए होगी, क्योंकि हाई लेवल पे है इन्फ्लेशन लेकिन डाउनवर्ड उसकी जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है, ऐसा एस्टीमेट आएगा। दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ अभी स्टॉक मार्केट के लिए देखने को मिल रही है कि जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी एस्टीमेट है, एटलांटा यूएस फेड ने जो एस्टीमेट दिया है उसमें पॉजिटिव नंबर दिए हैं। 1.3% की उम्मीद है कि जो यूएस की जीडीपी है वो थर्ड क्वार्टर में ग्रो हो सकती है। पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो रही है यूएस की। अभी एस्टीमेट ऐसा आया है जो पहला एटलांटा यूएस फेड ने दिया है, हालांकि ये फाइनल नंबर्स नहीं है, उसके हिसाब से पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। तो ये 2 पॉजिटिव्स यूएस की मार्केट में अभी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये रहने वाला है कि 13 सितंबर को जो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर एक्चुअल्स में आते हैं वो कितने आते हैं। अगर 8.5% की जगह ये जो नंबर्स हैं ये 8.3-8.4 तक ही रह जाते हैं या 8.5% के आसपास ही रह जाते हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, और उस वक्त आपको देखने को मिल सकता है कि स्टॉक मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन अगर ये नंबर 7.5%, 7%, 8% इस लेवल पर चले जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि इन्फ्लेशन हाई लेवल पे रहेगा लेकिन उसके बाद भी एक डाउनवर्ड जर्नी यहां पर देखने को मिल सकती है, और अगर इन्फ्लेशन लगातार ऐसे जैसे 7.5-7% तक अगर यूएस का आ जाता है तो आपको एक ज़बरदस्त रैली उस वक्त स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो एक चीज़ यहाँ पर तय है कि स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी रहने वाली है, आने वाले 2-3-4 महीने तक ये वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 13 सितंबर को ये जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, उसके बाद 23 सितंबर को यूएस में रेट हाइक यहाँ पर होने वाला है, तो 0.75% तक के आसपास का यूएस में रेट हाइक के एस्टिमेट ऑलरेडी लगने लगे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर इसको और ज़्यादा पुख्ता कर देंगे कि किस लेवल पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो
कल नंबर्स आएंगे शाम को, तो हम लोग वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे कि इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो ये दो की चीजें हैं जो यूएस की स्टॉक मार्केट से निकल कर आ रही हैं। एक पॉजिटिव चीज ये है कि जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टीमेट है थर्ड क्वार्टर के, वो पॉजिटिव आएंगे। दूसरा, कल पता चलेगा कि यूएस की इन्फ्लेशन एक्चुअल में कितनी आती है। उम्मीद है कि इन्फ्लेशन कम होगी सिंस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो कल जैसे ये नंबर्स आते हैं हम उस पर बात करेंगे। ओवरऑल आप मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चलिए, किसी एक साइड मार्केट चले ये अभी थोड़ा मुश्किल लगता है जब तक ये जो नंबर्स हैं इन पे क्लैरिटी नहीं हो जाती। अगर नंबर्स ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के कम होते हैं तो बहुत अच्छी रैली आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। बाकी कल जैसे ही इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे हम इस चैनल पर उनको डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।